आज हम स्नैपसीड और पिक्सार्ट ऐप से ऐसी एडिटिंग करने वाले हैं। चलिए अपने पिक्सार्ट ऐप को ओपन करते हैं, टूल्स पर क्लिक करते हैं, एडजस्ट पे जाते हैं, इसकी ब्राइटनेस पे जाते हैं, ब्राइटनेस को डिक्रीज कर लेते हैं हल्का सा, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, क्लियरिटी को हम लगभग 40 के आसपास रख देते हैं, इसकी सैचुरेशन को अपन फुल प्लस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, हाईलाइट को भी हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं, शैडो को डिक्रीज कर देते हैं। अब इस इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इरेजर पर क्लिक करके इसकी हार्डनेस को कम करके साइज को अपने हिसाब से रख के अपनी फोटो पे कुछ इस तरीके से ब्रश करते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, आप इसको आगे धीरे से करिएगा। फोटो इरेज हो चुकी है। अब इधर राइट साइड में राइट के निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड के राइट के निशान पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट वाले टूल पर क्लिक करेंगे, ब्लर पे जाएंगे, फर्स्ट नंबर वाले ब्लर को सिलेक्ट करेंगे और इरेजर पे क्लिक करेंगे, इरेजर पर क्लिक करेंगे और रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड पर कुछ इस तरीके से ब्रश करेंगे। साइज को अपने हिसाब से रखिएगा, हम इसको जल्दी जल्दी से किए ले रहा हूँ, आप धीरे धीरे से करिएगा। तो हमारा ब्लरिंग कंप्लीट हो चुका है, राइट पे क्लिक करेंगे, इसको सेव करके अपने स्नैपसीड को ओपन करेंगे, फिर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्टेड पर क्लिक करके इसको अपने चेहरे से कट लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से इसको रख लेना, मेरे इतने फोटो में इतना सही आ रहा है तो मैं इतना कट कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। अपना सिलेक्टिव पे काम खत्म हो गया, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और लेंस ब्लर पे जाएंगे और इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को अपन 14 के आसपास से 17 रख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेट और लुमिनेट को बिल्कुल 0 कर देंगे, लिपसेट पे क्लिक करेंगे, व्यूलिप पे क्लिक करेंगे, लेंस ब्लर पे जाएंगे और मैप पे क्लिक करेंगे और इसके साथ 100 करके अपने चेहरे पर कुछ इस तरीके से क्लिक करके ब्रश कर लेते हैं, जिससे अपना फेस स्मूथ हो जाएगा। मेरा फेस स्मूथ हो गया है, अब इधर से बैक आ जाए और जी देखिए हमारी फोटो कितनी मस्त लगने लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।